तो मेंस की आई हुई प्रॉब्लम है, नीट या मेन में आ जाती है। सपोज वो कह रहे हैं वेव की इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस वेव की इक्वेशन के अंदर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये इक्वेशन है। अब वो ये आपको चार ऑप्शन देगा, ये एनसीईआरटी में नहीं आता, चार ऑप्शन देगा कि वेव लेफ्ट से राइट जा रही है और वेलोसिटी उसकी 5 है, तो वेव की इक्वेशन वाई बताओ इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। प्रॉब्लम क्या है, इसमें टाइम नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि टाइम क्या है यहाँ पर, जीरो। तो चार ऑप्शन में आपको ना कुछ ऐसा ऑप्शन गिवन होगा, बताता हूँ कैसे। जो वेव का फंक्शन है वो हमने जो किया था, वो किया था कि टी माइनस एक्स बाई वी की फॉर्म में होता है या टी प्लस एक्स बाई वी की फॉर्म में होता है। अगर आप एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी। तो वेव फंक्शन इस फॉर्म में भी होता है, लिखा जा सकता है एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी। आपको याद है वेव की इक्वेशन आपको करवाई थी मैंने, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वी टी माइनस एक्स, आज हमने यूज की स्टैंडिंग वेव्स में। तो ये वही तो है वी टी माइनस एक्स या वी टी प्लस एक्स। तो आपको इसमें क्या करना है, या एक्स माइनस वी टी कुछ भी हो सकता है, हिट एंड ट्रायल होगा, ऑप्शन देखनी पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव में आपको। तो आपको एक ऑप्शन ऐसा गिवन होगा जहां पर ये एक्स दिखा रहा है आपको, वहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, या एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी, क्योंकि वेव कहां से कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट। तो यहां पर क्या होनी चाहिए, एक्स माइनस वी टी। तो आपको वेलोसिटी गिवन है, ऐसा ऑप्शन आपको मार्क करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक। ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये क्वेश्चन है कि अगर ये भी मेंस की आई हुई प्रॉब्लम है, अभी लास्ट ये दोनों प्रॉब्लम आई हैं। वाई की वैल्यू ये गिवन है आपको, ये 10 समथिंग, और वाई टू ये गिवन है आपको, एम्पलीट्यूड बताने क्या होंगे। तो वो इसका एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल क्लियर है, जो कि कितना है, 10 है, साइन का कोफिशियंट 10 है। इसके एम्पलीट्यूड में साइन भी है और कॉस भी है, अगर आपको एसएचएम याद हो, मैंने शॉर्टकट करवाया था। अगर साइन भी है कॉस भी है तो साइन और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, आंसर 10 सेम। तो ऐसे निकलेगा इसका एम्पलीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड इसके इक्वल गिवन है। और आपको क्या बताना है कि अगर एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी है, एम्पलीट्यूड जब इन्फिनिटी होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, हमने एसएचएम में किया था डैम्पिंग के अंदर। तो आपको ए और बी का रिलेशन बताना है, जब आप इसको इन्फिनिटी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, आंसर ठीक। ये एनसीईआरटी में आ सकता है। अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 3 है, लैम्डा गिवन है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लास्ट लेक्चर में किया था, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो आपको फेज डिफरेंस गिवन है, आपको लैम्डा गिवन है, सॉल्व करके क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, सीधा आंसर है। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर गिवन है, और फेज डिफरेंस भी 1.6 पाई गिवन है। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है वेव की, इक्वेशन तो वही यूज करेंगे, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस गिवन है, सॉल्व करके क्या आएगा, लैम्डा, लैम्डा आ गया, वेलोसिटी गिवन है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, आंसर।